हमारे संस्थान के डॉक्टर प्रकाशन गुप्ता, उनका रिसेंटली जो आपने संस्थान का नाम लिया, जो विश्वविद्यालय है नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट सेंशन हुआ है और इस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर प्राप्त होने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका एनिमल स्टडीज़ और फर्दर स्टडीज़ वहाँ से हम लोग वहाँ से वो कलेक्ट करके भेजेंगे और उस पर जो फर्दर स्टडीज़ हैं मोस्टली एनिमल ओरिएंटेड और आइसोलेशन टाइप की स्टडीज़ वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएंगी। यहाँ पर हमारे संस्थान में प्रकाशन गुप्ता जी के साथ साथ डॉक्टर निशा शर्मा एंड डॉक्टर निकुंज सेठी, ये भी तीनों इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और ये कोलैबोरेटिव वर्क है, यानी कि सभी मिलजुल कर इस डायरेक्शन में काम करेंगे और उससे जो हमको रिजल्ट प्राप्त होंगे वो फर्दर आगे रिकमेंड किए जाएंगे और क्लिनिकल ट्रायल पर पहुंचने के पश्चात ये डिसाइड होगा कि किस टाइप से आगे भविष्य में वो मेडिसिन मैनकाइंड के लिए काम की हो सकती हैं। रिसेंटली अभी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के साथ डिप्टी ट्यूनिंग प्रोग्राम के तहत हमारा एक प्रोजेक्ट अभी सेंक्शन हुआ है रिसेंटली, लगभग 80 लाख का। उस प्रोग्राम के तहत जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन्स में जो हिल एरिया है उधर बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो उधर के जनजाति और आदिवासी लोग अपने किडनी स्टोन्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनका भी एक्सप्लोरेशन नहीं होने की वजह से हम लोग एथनोबॉटनिकल स्क्रीनिंग्स करेंगे उन मेडिसिनल प्लांट्स की और उनका भी हम लोग आइसोलेशंस करेक्टराइजेशंस करके हम लोग एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आइसोलेट करेंगे और उन एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग फिर एनिमल्स पे हम लोग स्टडी करेंगे और यदि हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं देन फर्दर फिर हम लोग उनका फाइटो या हर्बल फार्मुलेशंस ईजाद करेंगे और हम लोग फिर आगे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में भी जाएंगे और पेटेंट का भी हम लोगों का है, यदि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोग हर्बल मेडिसिन तैयार करेंगे जो कि किडनी स्टोन्स अभी काफ़ी लोगों में देखते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशंस होती हैं जिसमें मोस्टली डॉक्टर्स पेन किलर्स या फिर लिथोट्रिप्सी के द्वारा उसको निकालते हैं, बट हमारी जो हर्बल मेडिसिन हम लोग जो तैयार करेंगे वो एक जो किडनी स्टोन्स की साइज को भी रिड्यूस करेंगे और रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं उनको भी वो कम करेगी और दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इस केस में।